हेलो फ्रेंड्स, तो आ गई हमारी ये B3 वीडियो CWL की। हाँ, थोड़ा सा लेट है, बट मैं थोड़ा बिजी हो गया था तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी और अटैक भी करे बट अपलोड नहीं कर पाया, सॉरी। तो कंटिन्यू करते हैं इसे, कोई भी कुछ भी मिस नहीं हुआ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये हमारा बेस है, इस पर हम अटैक करने वाले हैं वही सुपर आर्चर और अपना इनवी के साथ और क्लोन। तो चलते हैं अपने अटैक पे, बहुत ही ज़्यादा रश बेस है। बस यह है TH-14 है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज सब कुछ सही है। चलो चलते हैं अपने पहले लूंस, अपना ब्लिम्प वार्डन और वार्डन की एबिलिटी दूँ, रहने देते हैं क्योंकि कुछ डिफेंस है ही नहीं, एयर डिफेंस का देख ही रहे हो तुम। ब्लिम्प को ड्रॉप कराते हैं एक इनवी और फिर अपना चलते हैं। TH मिल जाए हमें और स्कैटर शॉट और ये ईगल आर्ट्री। अरे कुछ ईगल आर्ट्री मिल गई, ओ अब मुझे नहीं लगता कि वो मिलेगी स्कैटर शॉट। चलो मिल गया, ये अच्छा हुआ। क्वीन रह गई यार, क्वीन और मिल जाती। चलो अपना ड्रैगन स्टार्ट करते हैं सब कुछ। एक इलेक्ट्रो इधर, एक क्लियर करने के लिए एक ड्रैगन उधर छोड़ दिया है। ड्रैगन राइडर बहुत सिंपल है, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। अपना वार्डन RC किंग को इन साइड से छोड़ेंगे ताकि क्लीन करते हुए चलें और सारी जो ड्रैगन आ रही है वो अंदर कोर में जाती रहे। एक इलेक्ट्रो तो निपट गया हमारा, उधर ड्रैगन दूसरा भी चला गया, बहुत ज़रूरत थी वहाँ। वार्डन की एबिलिटी देते हैं क्योंकि स्कैटर शॉट बहुत ज़्यादा मार रहा है, मल्टी इन्फर्नो भी आ गया है। अभी तक तो अच्छा चल रहा है, ड्रैगन भी काफ़ी सारे हैं, इलेक्ट्रो भी दो हैं। अभी किंग की एबिलिटी देते हैं और एबिलिटी काफ़ी सारी बची हैं हमारे पास अभी। चलो हो गया, अब इसमें बचा ही गया है RC की एबिलिटी में, सब डैमेज सब ख़त्म। अब हमारा बचा क्वीन की एबिलिटी, वो भी हमने दे दी, कुछ बचा ही नहीं। चलो 97, 98, 99 एंड 100%। चलो बढ़िया है, कोई नहीं। इसमें हमने 3 स्टार ले लिए हैं, Day 3 था ये हमारा। और देखते हैं आर्मी आई भी है तो हम ज़रा ट्रॉफी पुश कर रहे थे, ज़रा ट्रॉफी पे भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तो 2 यति फ्रीज और चलो चलते हैं। सीज बैरिक तो ले ही लो, ना लो हमारा लगा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। चलो फर्स्ट टाइम में यही बेस भी अच्छा मिल गया है, क्वीन मतलब इलेक्ट्रो याद आ रहा है, कोई बात नहीं। लून बेबी ड्रैगन फलन करने के लिए एक सुपर वॉल ब्रेकर, फिर एक और लून देते हैं, क्वीन बस अंदर चली जाए। चलो एक और लून, बहुत सही, क्वीन अंदर ही जा रही है फिलहाल। तो हमें यहाँ से दोनों एक्सबो और एक अपनी ईगल आर्ट्री मिल जाएगी, ये तो कन्फर्म है, लेना ही है। मतलब उसके बाद अटैक करेंगे अपना हाइब्रिड। एक रेस देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज होने वाला है, क्योंकि दोनों एक्सपो लगने के बाद काफ़ी हार्ड हो जाता है क्वीन को बचाना। ईगल मिल गई हमें, बस एक आध एक्सपो जल्दी से निपटे तो थोड़ा रेज का काम ख़त्म हो, बट लग नहीं रहा क्योंकि सिंगल टारगेट इन्फर्नो भी पकड़ लेगा। हाँ, एक और रेस देते हैं, बस मिल जाए। अरे वाह, सिंगल टावर इन्फर्नो भी मिल जाएगा, ये सही है। क्वीन बैक जा भाई, अरे यार क्वीन बैक नहीं आ रही। चलो करते हैं अपना हाइब्रिड स्टार्ट, काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल गई अपने को। माइनर्स, अपना बुढ़ा और RC और अपना हॉक, एक हील देते हैं क्योंकि स्कैटर शॉट बहुत बुरी तरह मार रहा है। और सिंगल टावर इन्फर्नो की हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अरे दूसरा एक्सपो भी मारने लगा, इसे फ्रीज करूँ। चलो वार्डन की एबिलिटी नहीं अभी आराम से देंगे। चलो अब वार्डन की एबिलिटी भी गई, एक फ्रीज देते हैं इधर की साइड क्योंकि वो तो सब वार्डन की एबिलिटी में है। क्वीन भी है और क्वीन की एबिलिटी भी है और हमारे पास हॉक्स भी काफ़ी सारे हैं और माइनर भी काफ़ी सारे हैं। हो गया, पीछे से यति आ रहे हैं, कोई काम नहीं है यति का, तब भी आ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, CC बेकार ही लिया था। क्वीन की एबिलिटी यूज़ करते हैं, लास्ट टाइम है। और ये 96, 7,
एट और हो जाइंट बॉम्ब देखो कहाँ कहाँ रखे, 9 और ये 100। चलो ट्रॉफी पे पुश हो रही है साथ में, और CWL भी चल रहा है। बाय बाय।